याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत बरकतों वाली है, उसमें हजारों फवायद है जो हमें नज़र नहीं आते। मेरे अल्लाह का फरमान, हर फरमान हिकमत पर मबनी है और मोहब्बत पर मबनी है और बंदे के फ़ायदे पर मबनी है। मसलन मेरे अल्लाह ने ज़कात फ़र्ज की, अब अगर मुसलमान ज़कात देना शुरू कर दें तो इनके माल महफूज हो जाएंगे, इनको बरकतें मिलेंगी। अगर ये ज़कात देना शुरू कर देंगे तो लोगों की दुआएँ मिलती रहेंगी और मुस्तकिल दुआएँ भी। अगर ये ज़कात देना शुरू कर दें, अल्लाह के फरमान को अल्लाह का फरमान समझ कर अमल करना शुरू कर दें, तो अल्लाह इनके लिए आमाल के दरिया बहा देगा। याद रखिए, अल्लाह की सुन्नत क्या है, जो चीज़ जिसके पास है वो अगर बांटे तो अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा देते हैं, वो चीज़ उससे ख़त्म नहीं होती। उसकी मिसाल दिया करता हूँ, ईदी साहब ये बांटते थे पैसे, ये बांटते थे, ताउन करते थे लोगों से, अल्लाह उनको हैसा कर दिया, अपना जहाज़, अपने हेलीकॉप्टर, हज़ारों अपनी गाड़ियाँ और हज़ारों अपनी बिल्डिंगें और अपनी प्लाट इस नाम से। जो चीज़ बांटेगा अल्लाह इसको वाफिर मिलता है। बल्कि हिंदू, यहूदी, बुद्ध मत भी अमल करते हैं इस फरमान पर। हज़रत शेख नज़ीर ज़करिया ने लिखा है कि हिंदू अपने एक मोहल्ले में जहाँ सारे हिंदू रहते थे, वो मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक 10% देता था, लोगों को बांटता था। उस मोहल्ले में चोर है, सबको लूटा, एक घर बच गया। तो किसी ने पूछा कि आपके घर बचने की कोई ना कोई वजह होगी, पीछे कोई नेकी होगी? उसने कहा हाँ, मैं अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक, मुसलमानों की इसके मुताबिक, शरीयत के मुताबिक मैं 2.5% लोगों को देता हूँ, ताउन करता हूँ। और ये तो नहीं कहा ज़कात का, लोगों को ताउन करता हूँ, तकसीम करता हूँ, लोगों के साथ मदद करता हूँ, तो इसलिए अल्लाह ने मेरे माल को महफूज कर दिया। तेरा रब जो हिंदू के माल को महफूज कर सकता है, तेरा रब तेरे माल को महफूज भी करेगा और बढ़ा कर तेरी नस्लों को भी बिठा के खिलाएगा। आइए हमें इल्तजा है, दरख्वास्त है, मुसलमान अपनी इस्तेदात के मुताबिक अगर ज़कात फ़र्ज नहीं तो सदका दे, सदका भी नहीं इस्तेदात के मुताबिक जो है कुछ ना कुछ दे, तजर्बा करके देख ले, जो देगा उसका अल्लाह दरिया बहा देंगे, उसकी नस्लों को मुस्तगनी कर देंगे, उसके नस्लों में पैसा और माल ख़त्म ही होगा। जो जिस चीज़ में दिलचस्पी लेता है और बांटता है, अल्लाह उसी में बरकत अता फरमा देते हैं और बहुत अता फरमाते हैं। आइए मैं अपने मुसलमानों को इल्तजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, अपनी इस्तेदात के मुताबिक रोज़ाना लाजम कर लें, इसकी बरकतें और इसकी खैर देखें, अल्लाह आपकी नस्लों को नवाज देंगे।